आरएलएसपी समर्थकों ने किया बिहार बंद, उपेंद्र कुशवाहा पर पुलिस की लाठीचार्ज का जताया विरोध। गिरिडीह में बीजेपी के शक्ति केंद्र सम्मेलन का हुआ आयोजन, लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। गढ़वा में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने लालू संदेश यात्रा का किया शुभारंभ, भाजपा भगाओ झारखंड बचाओ का दिया नारा। नालंदा में चिकसौरा से हिलसा जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, दो की मौत दर्जनों घायल। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर लाठी भांजने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते आरएलएसपी समर्थकों ने किया बिहार बंद। इसका समर्थन महागठबंधन में शामिल तमाम दलों ने भी किया। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर पटना में पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज के बाद रालोसपा ने बिहार बंद किया है। बिहार बंद का रालोसपा के अलावा बिहार महागठबंधन में शामिल तमाम दलों ने समर्थन किया है। खगड़िया में रालोसपा के बिहार बंद के समर्थन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने खगड़िया स्टेशन पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही रेलवे ट्रैक पर उत्तर गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को स्टेशन पर रोककर नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रालोसपा के जिला अध्यक्ष अमित कुमार मिंटू ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला बंद करें, आगामी चुनाव में कुशवाहा समाज उन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाने का काम करेगा। जहानाबाद में रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और उनके समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के विरुद्ध में आज महागठबंधन ने बिहार बंद बुलाया। इस दौरान महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और अरवल मोड़ पर टायरों की हवा निकालकर NH 83 और NH 110 को जाम कर दिया। वहीं सड़क जाम कर धरने पर बैठे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। NH पर गाड़ियों के रोक रहे बंद समर्थकों और SDPO के बीच हल्की झड़प भी हुई। भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा पर हुए हमले के विरोध में रालोसपा के बिहार बंद का असर जिले के आरा सहित पूरे प्रखंडों में भी इसका व्यापक तौर पर दिखा। आरा सासाराम मुख्य मार्ग पर रालोसपा कार्यकर्ताओं ने धोबी घटवा के पास वाहनों को रोककर हंगामा कर आगजनी की। इसके साथ ही बिहिया जगदीशपुर पिरोरा में भी सड़क जाम किया। सुरक्षा के लिहाज से जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कैमूर में कार्यकर्ताओं ने भभुआ में विरोध प्रदर्शन निकाल कर CM नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि डाक बंगला चौराहे पर जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा पर हुई लाठी चार्ज किया गया वो निंदनीय है, जिसको लेकर आज पूरे प्रदेश में बिहार सरकार के विरुद्ध में मार्च निकाला गया। बक्सर में भी उपेंद्र कुशवाहा पर हुए हमले में उग्र हुए कार्यकर्ताओं ने बक्सर स्टेशन पहुंचे, जहां हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस और मेन लाइन पर राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को रोक दिया है। हाथों में झंडा लिए कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। इधर राजधानी एक्सप्रेस के रुकने की सूचना पर रेलवे के सुरक्षा बल और GRP मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाने का काम कर रही है। बता दें कि शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ आक्रोश मार्च निकाला था, लेकिन पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और RLSP के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इसमें उपेंद्र कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें PMCH भेजा गया है। रालोसपा के इस बंद को महागठबंधन में शामिल तमाम दलों ने समर्थन दिया है। रालोसपा के इस बंद को महागठबंधन में, वहीं विपक्षी महागठबंधन ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार की आलोचना की है। दलों के नेताओं ने बंद में पार्टी कार्यकर्ताओं को बैनर पोस्टर के साथ सड़क पर उतारा और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। राजधानी के बिहटा और नौबतपुर में बिहार बंद का असर कारगर साबित हुआ। रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने बिहटा चौक पर आगजनी करके रोड जाम किया और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद को सफल बनाने के लिए रालोसपा कार्यकर्ता जगह जगह सड़क जाम और पुराने टायर जलाकर आगजनी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में भी इस बंद का असर देखने को मिला है। वहीं बंद में शामिल कार्यकर्ता ने कहा कि शिक्षा आक्रोश रैली के दौरान जिस तरह से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता घायल हुए थे, उसी के खिलाफ सभी कार्यकर्ता इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार बंद क्यों किया गया? बिहार बंद किया गया है कि शिक्षा के सवाल पर राज्यपाल के यहाँ 1 करोड़ जनता का ज्ञापन सौंपना था। पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के नेता हैं, 2 फरवरी को आक्रोश मार्च के तहत राज्यपाल को सौंपना था और नीतीश कुमार ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया है, जानलेवा हमला किया है, इसीलिए पूरा बिहार हम लोग बंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं इस समय खड़ा हूं डाक बंगला चौराहे पर। यहां पर रालोसपा की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। रालोसपा के कार्यकर्ता यहां आए हैं और जिस तरह से यहां पर उपेंद्र कुशवाहा पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया था, उसके विरोध में आज रालोसपा के कार्यकर्ता बंद यहां पे बंद का आह्वान किए हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। हम बात करेंगे
यहाँ पे हैं, हमारे साथ है कार्यकर्ता जी, किस तरह से आप बात कर रहे हैं? देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के ऊपर लाठीचार्ज जो किया है सरकार ने, यह खुले में खुला लोकतंत्र पर हमला है, सरकार द्वारा गुंडागर्दी की गई है, इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर, नेतृत्व में देवेंद्र यादव के आदेशानुसार हम लोग सड़क पर उतरे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी पर लाठीचार्ज करने की बात की जा रही है, हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे से भी बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं कार्यकर्ता, और यहाँ पे काफ़ी संख्या पे लोग डाक बंगला चौराहे पे आए हैं, बंद का आह्वान किया गया है और यहाँ पे लोग हैं। आप देख रहे हैं कि बंद में काफ़ी संख्या में लोग आए हैं जी, किस तरह से आप क्या आह्वान कर रहे हैं? हम लोगों ने श्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जानलेवा हमला, इस सरकार ने हत्या करने की साजिश की, उसके खिलाफ बंद का आह्वान किया। तो साफ इन लोगों का कहना है कि हत्या करने का इनका आरोप लगा रहे हैं, कि ये सीधे कह रहे हैं कि हत्या करने की साजिश रची गई थी उपेंद्र कुशवाहा को, इसको लेकर के ये आज बंद का आह्वान किया और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पे अपना जो नेता है उनके ऊपर लाठीचार्ज को लेकर के जो इन्होंने जो लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर, बेतिया, रोहतास समेत प्रदेश के हर कोने से रालोसपा समर्थक बिहार बंद के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के मोती झील पर प्रदर्शनकारियों ने दुकानों का बंद करवाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रालोसपा ने दावा किया कि आम लोग बंद के लिए समर्थन दे रहे हैं, लेकिन बंद के कुछ देर बाद ही जिले में सामान्य जिलों की तरह बाजार खुलता भी दिखाई दिया। वहीं बेतिया और रोहतास में भी रालोसपा पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए जगह जगह आगजनी की और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। रालोसपा के इस बंद को महागठबंधन में शामिल तमाम दलों ने समर्थन दिया है। सुबह से बंद समर्थक सड़कों पर निकल आए हैं। दिन चढ़ने के साथ बंद का असर गहराने लगा है। बता दें कि शनिवार को पटना में रालोसपा के आक्रोश मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी घायल हो गए थे। इसके खिलाफ पार्टी ने बिहार बंद का आह्वान किया। रालोसपा को राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों का समर्थन प्राप्त है। फिलहाल लाठीचार्ज में घायल उपेंद्र कुशवाहा पीएमसीएच में इलाज करवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में महागठबंधन का आहूत बंद आज बेअसर दिख रहा है। सामान्य दिनों के तरह जो है जनजीवन लोगों का चल रहा है। कार्यकर्ता जिधर से निकल रहे हैं उधर से दुकानें कुछ उन लोगों के गुंडागर्दी की वजह से स्वतः बंद कर ले रहे हैं, लेकिन जाने के बाद पुनः लोगों का जीवन सामान्य हो जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी। गिरिडीह के पचम्बा में बीजेपी शक्ति केंद्र सम्मेलन में सीएम रघुवर दास के साथ उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम रावत ने पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनाई और कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव के लिए जोश भरने का काम किया। पचचंबा के तेतरिया मैदान में बीजेपी के प्रमंडलीय स्तरीय सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। बीजेपी के इस शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन का मकसद लोकसभा चुनाव के लिए गिरिडीह व कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना था। सीएम रघुवर दास संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं में जीत की ललक जगाई और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी नेताओं के जुगाल में भी है मोदी मोदी, और कोई नाम नहीं है, क्योंकि मोदी जी के शासन में आजादी सभी अटल बिहारी वाजपेयी के शासन को छोड़ गए। कब तक की आजादी के 70 वर्ष की आजादी में सभी सरकार, कांग्रेस की सरकार को तो सरकार आजादी के बाद सरकार गठन होने के समय ही भ्रष्टाचार का जीव घोटाला काम, जिसमें उस समय रक्षा मंत्री कृषि मेनन को रिजाइन देना पड़ा, तब से घोटाला का सिलसिला। लेकिन बात खोटे अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में कोई दाग नहीं लगा। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेदाग सरकार देश की राजनीति में अगर दी तो भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया। पाकिस्तान में घुस करके
और 36 पाकिस्तानी कैंपों को सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा अगर कोई ध्वस्त कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। याद करिए इन चीजों को, ये बड़े बड़े काम है। हमको दुनिया के सामने अगर महाशक्ति के रूप में अगर किसी ने देश को खड़ा किया है, 104 मिसाइलें एक साथ दागने का काम, दुनिया का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा है देश की सुरक्षा के खातिर, तो नरेंद्र भाई मोदी ने तोड़ा है। इसलिए बहनों भाइयों, देश की मजबूती के लिए, देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे तो गांव गरीब के किसान का भला होगा। इन सब चीजों को लेकर हम देश अपनी जनता के बीच में जाएं, घर घर में जाएं और निश्चित रूप से देश का कल्याण होगा। आने वाला जो 2022 होगा बिल्कुल बदला हुआ भारत होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। इस बदलते भारत में आप अपना योगदान करेंगे। बीजेपी का ये शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों की झलक दिखा रहा था, जिसके लिए पार्टी कमर कसने में लगी है। बता दें कि पिछली बार बीजेपी ने 14 लोकसभा सीटों में से 12 पर जीत दर्ज की थी। अब 400 की हुंकार भर रही बीजेपी 14 सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। गिरिडीह से मृणाल सिन्हा की रिपोर्ट। गढ़वा में निकाली गई लालू संदेश यात्रा में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को प्रताड़ित किया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। गढ़वा में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी के साथ लालू संदेश यात्रा निकाली गई। डंडा प्रखंड से संदेश यात्रा का शुभारंभ आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने किया। यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पर उंगली उठाने वालों को सरकार प्रताड़ित करती है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के साथ किस तरह से ज्यादाती ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, आज कोई भी सरकार के खिलाफ अगर बोलता है तो ये सरकार जो संवैधानिक संस्था है, चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो या अन्य जांच एजेंसी, उसके माध्यम से उन्हें प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये आने वाले दिन में इन बहुरूपियों से बचना है जो समाज को लड़ाने का काम करती है, जो देश को बांटने का काम करती है, और संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, उस संविधान को खत्म करके ये चाहता है कि मनु संविधान जो नागपुर में लिखा जा रहा है, RSS का संविधान, उस संविधान को देश में लगाएं। तो हम आपसे यही अपील और आग्रह करने आए हैं, जब आने वाला दिन, चूंकि चुनाव 2019 में चुनाव होना है लोकसभा और विधानसभा, तो ऐसे पाखंडियों को देश से भगाना है, तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है, तभी हमारा समाज सुरक्षित और एकजुट रह सकता है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा भगाओ झारखंड बचाओ का नारा भी दिया। बता दें कि लालू संदेश यात्रा में जिला अध्यक्ष शरीफ अंसारी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। नालंदा में चिकसौरा से हिलसा जा रही बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। नालंदा में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चिकसौरा से हिलसा जा रही एक बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बस के अचानक पलटने से बस में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने राहत बचाव कार्य चलाते हुए गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की सूचना पुलिस को दी। वह इस घटना से पुलिस के रवैये से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दुर्घटनाग्रस्त बस को आग के हवाले कर दिया। घटना हुई है, घटना सर पश्चिम से बस आ रही थी और ऐसे कि चढ़ने के रोड पर ऐसे ड्राइवर की गलती से जैसे लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट हुई जिसमें ऐसे कि 4 लोग की मौत हुई जिसमें 2 लोग अभी जगह है। अभी लाश 2 ही है। 2 है लेकिन 2 आपके पुलिस अपनी कस्टडी में ले गई है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम संजय पासवान हुआ। यहीं के रहने वाले जी? बस बगल गाँव में गन्नीपुर है। ओ, ये और एक जो लाश जो है जो पड़ा हुआ जो बगल गाँव रेड़ी गाँव के जो जिसका नाम है नंदू पासवान है। और एक का और नाम तो सर ऐसे जानकारी नहीं जिसकी है। और लोग कई लोग घायल हैं, करीब 10-20 लोग निकाले, लोग ग्रामीण लोग दौड़े हैं उनको निकाल कर कहते कि बाकी लोग कहते कि भेजा गया इलाज के लिए। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, वहीं पुलिस इस दुर्घटना की छानबीन कर रही है। पंजाब केसरी TV के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्रा की रिपोर्ट।
देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।